हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो भाई आज के रिलेटेड दोबारा से खेले जा रहे हैं सस्ते GD5 मतलब कि डूड थेफ्ट वॉर्स। और गाइस यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने जा रही है, इसलिए मैं अभी अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस यार आज की जो वीडियो उसमें आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डूड थेफ्ट वॉर्स में आ चुका है हमारा थर्ड कैरेक्टर, यानी कि चैड नहीं, अब आ चुका है जूस मैन। यस गाइस, आप लोगों से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि भाई थर्ड कैरेक्टर जो है चैड है, बट ऐसा कुछ बात नहीं है। थर्ड कैरेक्टर जो है डूड थेफ्ट वॉर्स का वो है जूस मैन, जिसका जो है ठेला या फिर रेडी या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं दुकान, वहाँ पे जो है होती है उसकी शॉप जो कि नीमू वाले चाचा की। लेकिन वो असल में हमारा थर्ड कैरेक्टर, वैसे हम उसको सिर्फ एक नीमू वाले चाचा के नाम से जानते हैं, बट रियली गाइस बिलीव मी कि वो हमारा थर्ड कैरेक्टर है। यस गाइस, अगर आप लोग आज की वाली ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा कि उसको अनलॉक कैसे कराना है। और यस गाइस चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बट यार आप लोग वीडियो को अगर स्किप करोगे ना तो वीडियो का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा पाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से गाइस यार। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, क्योंकि जो है डूड थेफ्ट वॉर्स के देखो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आज ये दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ एक ही दिन के अंदर। तो देखो ऐसे नए नए अपडेट आ रहे हैं ना डूड थेफ्ट वॉर्स के, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। और यस गाइस चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बढ़िया वीडियो को लाइक कर देना, और आज के हम लोग लाइक का एम रख रहे हैं 1K लाइक्स, 1000 लाइक्स जल्दी से पूरा करा दो गाइस। और मैं जो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेता हूँ, पहले आप लोग को 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दो। तो यस गाइस मैं 5 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ओके गाइस सर, आप लोगों का टाइम पूरा हो गया, तो यस गाइस आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक कर लिया होगा, तो थैंक यू गाइस। तो चलो यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यार अभी मेरे पास जो है हर बार की तरह प्यूडीपाई चेयर ही है गाइस, जल्दी से उसको लेके चल लेते हैं अपने जूस वाले दादा के पास। और अभी फिलहाल जो है गाइस जल्दी से चल लेते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर को देखने, और उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं गाइस यार। तो अभी जो है हम लोग जल्दी से चल लेते हैं उस नींबू वाले के पास, मतलब कि जूस मेकर के पास, जूस मैन के पास। ओके तो अभी उसके पास जल्दी से चलते हैं और उसकी एबिलिटीज़ भी देखते हैं, और जल्दी से चल लेते हैं। ओके यहाँ से अभी जो निकल तो नहीं रही है वैसे ये, तो अभी यहीं से चले जाए फिलहाल, यहाँ से निकाल लेते हो। ओके गाड़ी को यहाँ से निकाल लिया हम लोगों ने प्यूडीपाई चेयर को, और यहाँ से हमारे घर से जो है बहुत ही करीब है जूस मैन के घर, और उसका घर भी देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ उसकी दुकान या फिर शॉप ही देखी हुई है, पर हम उसका घर भी देखने वाले हैं आज। तो यस गाइस जल्दी से हम लोग चल लेते हैं जो है नीमू वाले चाचा के पास। पहले मैं आप लोगों को एक शहर का राउंड देखे, पहले मुझे पॉक्सिस स्टूडियोज़ के स्टूडियो पर देखना है कि कोई अच्छी गाड़ी आई हुई है या फिर नहीं। अगर लैम्बोर्गिनी हुई तो उठा लेंगे यार, चेयर से जो है दिल भर चुका है। फिलहाल अभी जो जल्दी से चल लेते हैं गाइस यार, और अभी जो है फिलहाल यार चलो यार इधर से जो है टर्न मार लेते हैं। वैसे प्यूडीपाई चेयर में सिर्फ एक मसला है कि यार ये फुटपाथ पे जो है ना नहीं चढ़ पाती है सही से, तो अभी फिलहाल मुझे अगर लैम्बोर्गिनी मिल जाती है तो मैं जल्दी से ले लूँगा, क्योंकि यार जो है ये वाली जो प्यूडीपाई चेयर है इसका बहुत मसला होता है, किसी भी अगर फुटपाथ पर चढ़ जाए तो उतरती नहीं है, उतर जाए तो चढ़ती नहीं है। तो गाइस यार यहाँ पर लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, ओ भाई साहब मैंने जो सोचा वही हुआ गाइस यार, ये देखो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। और गाइस यार जल्दी से हम लोग जो ये लैम्बोर्गिनी को ले लेते हैं और जल्दी से चलते हैं अपनी मोहल्ले चाचा के पास, और गाइस यार जल्दी से जूस मैन के पास जाते हैं और फिर देखते हैं कि उसको हमें कैसे अनलॉक करना है, और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो यस गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, और सब्सक्राइब और लाइक अभी तक जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो भाई साहब, क्या ही कर रहे हो। तो यस गाइस अभी जो हम लोग जल्दी से चल लेते हैं नीमू वाले चाचा यानी कि जूस मैन के पास। यार गाइस यार अभी देखो ये जो दुकान आ चुकी है हमारे जूस मैन वाले चाचा जी की। ओके गाइस यार इसकी ओ भाई साहब थोड़ी सी पीछे खड़ी करनी पड़ेगी, पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को। ओके इधर ही लगा देते हैं भाई साहब। सो गाइस यार इधर जो हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी, और अभी जो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर लगा दी यार मैंने, थोड़ी सी करीब ले आते हैं गाड़ी अपनी। ओके गाइस यार अब जो है उतर जाते हैं अब सही है। ओके सो अभी अब जो अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे देखो लेमन्स जूस लिखा हुआ है, मतलब कि इनकी दुकान का नाम लेमन्स जूस है। ओके गाइस यार बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, फिलहाल इन्होंने लेमन की साइड अलग से लगवाई है। और ये देखो गाइस यार इतने सारे गिलास रखे हुए, कितने हैं भाई। सो गाइस इसको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके यार 7 ग्लासेस हैं, और जग है, और नींबू, और यहाँ पर पैसे का कंटेनर। सो भाई साहब ये हमारे नींबू वाले चाचा बड़े टाइट लग रहे हैं भाई। ओके गाइस यार इधर से हम लोग जो है नींबू वाले चाचा को देख लेते हैं पूरा नीचे से ऊपर। वही गाइस यार अभी देखो ग्रीन कलर के शूज़ पहने हुए हैं, यहाँ से ब्लू कलर की पैंट, पिंक कलर की शर्ट है, यहाँ से जो इनका